धारावी आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी, पण याच धारावीमध्ये एक वेगळं जग आहे. इथे एक मोठी इंडस्ट्री आहे ज्यातून रोज लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. कोरोनाने ही इंडस्ट्री उद्ध्वस्त केली आहे. चला माझ्यासोबत धारावीचं अंतरंग अनुभवायला आणि कोरोनाच्या संकट काळानंतर धारावीला वेगळं पाडल्याने धारावीवर झालेल्या परिणामांची दाहकता अनुभवा. नाम सय्यद गफूर आहे और हमारी पैदाइशी बम्बई की है, धारावी की. हमारे माँ बाप को यहाँ पर कम से कम 50-60 साल हो गया है और मुझे यहाँ पर 35 साल हो गया रह के, और ये हमारा कारखाना कम से कम 10 साल से है. और अभी तकरीबन 3 महीने से ये लॉकडाउन हो गया है और 3 महीने से कुछ काम नहीं हो रहा है. सब ऐसे ही बेरोज़गार हो गए, सब कारीगर छोड़ के चले गए. हमारे यहाँ कम से कम 50 आदमी जुड़े थे, अभी कोई नहीं बचा हुआ है. हमारा ना माल बिक रहा है, ना दुकानें चल रही है, अब पूरा रेंट ऐसे ही जा रहा है. मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर. जो धारावी में जो पहले हालात थे, अभी पहले ऐसे हालात है नहीं यहाँ पर. पहले जब लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा काम था और यहाँ पर हमारे पास कम से कम 4 से 5 जॉब वर्कर है और एक एक वर्कर के पास, जॉब वर्कर के पास कम से 8 आदमी है. तो अभी ये तो सब चले गए, अभी सबका बंद है. पूरा हमारा रिसाइकल था, पूरा चलता है चैन सिस्टम जो भी है, और सबका इससे घर बार चलता था, जो भी है सब चलता था. लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ चला सके. सब अपने अपने गांव चले गए. सब वैसे ही वैसे ही है. सब माल ऐसे ही पड़ा है, ना बिक रहा है, ना आ रहा है, ना जा रहा है. कोई बाहर से लेने नहीं आ रहा है. धारावी को सिर्फ बदनाम करके रख दिया. धारावी में ऐसा कुछ है ही नहीं, इतना फैला दिया. मेरा काम कटिंग का है, यहाँ सिर्फ कटिंग होती है और हम लोग माल बाहर देते, बन के बाहर से बन के आता है. हम लोग खाली सेलिंग करते हैं और अभी तो फिलहाल सब बंद है ये. तो अभी आपका पेमेंट वगैरह पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं, 3 महीने से कुछ नहीं मिल रहा. जब काम कारोबार सब बंद है तो पेमेंट कहाँ से आएगी. नहीं नहीं, हमारा यहाँ पर है खुद का घर है और हम यहाँ रहते ही हैं. यहाँ की पैदाइशी है सब. हम तो आप कारखाना में आए हो ऐसे ही सिर्फ, अभी अभी तो खुला है ये 8-10 दिन से. सिर्फ ऐसे ही देखने आ रहे, बैठे हैं यहाँ पर खोल के कि कुछ चले, लेकिन कुछ चल नहीं रहा है. कोई नहीं कोई नहीं. धारावी को इतना हाईलाइट कर दिए पूरे वर्ल्ड में कि कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर. क्योंकि धारावी से यहाँ से हमारे इधर से ऑनलाइन भी काम होता है, रिटेल का भी होता है, होलसेल का भी होता है. बाहर भी जाता था माल, इंडिया के बाहर भी जाता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है. तो अभी कितनी दिक्कत है, अभी घर में घर चलाने की कितनी दिक्कत है? घर चलाने की यही है कि जैसा भी है थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है. बाकी मतलब पहले जैसे हालात अभी तो कुछ है ही नहीं कि घर में ऐसा कुछ कर सके. जो है बचा कुचा वही चल रहा है. कि शादी वगैरह हो चुकी है? शादी हो गई है. तो अभी घर कैसे चल रहा है? मतलब अभी पूरा अभी कुछ नहीं, बीच में थोड़ा एडवांस एडवांस मिला है, उसी से घर चला रहे. बाकी तो अभी तो और हालत ख़राब है, ऐसा आगे तो मिलेगा नहीं लग रहा है. कहीं काम ही नहीं है, पूरा धारा भी बंद है. कहीं काम कर भी नहीं सकते, कर है ही नहीं तो क्या करेंगे. धारावी के बाहर कोई धारावी वाले को लेगा भी नहीं. क्यों? धारावी का नाम इतना ख़राब कर दिया इन लोग, पूरे वर्ल्ड में कोरोना कोरोना करके फैला दिए. लेकिन हमारे इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है. आपको क्यों नहीं लेंगे पर धारावी के बाहर काम को? धारावी का नाम इतना हाईलाइट कर दिया पूरे न्यूज़ में कि कुछ मतलब कोई ना आ रहा है ना बाहर कोई ले रहा है. ऐसा कुछ मतलब वो नहीं, मतलब धारावी को मतलब इतना वो कर दिया कि खुद ही पब्लिक नहीं आ रही लेने के लिए. धारावी आ ही नहीं रही है अभी बाहर से कोई. और लॉकडाउन की वजह से बहुत हालात ख़राब भी हुए हैं और बहुत लोग परेशान भी हुए हैं. सब कारखाने भी यहाँ बंद हो गए हैं. अब बहुत जन यहाँ पर लाइन भी लगाए गांव जाने के लिए. लोग परेशान भी हुए, आज भी गांव जा रहे हैं. और पता नहीं अभी ये कब वापस आएंगे और कब चालू होएगा. कुछ कोई रास्ता नहीं है आगे.